अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें हमें सेट्स दिए गए हैं और हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आप क्लोजर प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देती हूँ। एक्चुअली क्लोजर लव्स क्लोज से निकला है। हम यहाँ पे कोई भी दो रियल नंबर्स ले लेंगे, ए बी, जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में से। आर बेसिकली डिनोट करता है रियल नंबर्स को। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन के हिसाब से। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो उसका जो रिज़ल्ट आए वो हमारे पास रियल नंबर्स में से ही बिलोंग करना चाहिए। देन वो क्लोज्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका रिज़ल्ट है वो आना चाहिए रियल नंबर्स में से, देन वो कहलाएगी कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ। इसको हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0+0 इज इक्वल टू 0। ये टेबल जस्ट पॉसिबल आउटकम्स को डिस्क्राइब करता है, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 0+0 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या 0 सेट में से बिलोंग करता है या नहीं। सो 0 सेट में से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 बिलोंग्स टू दिस सेट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका भी सेम इसी तरह से टेबल बना लेते हैं, 0 और 0। अब इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 × 0 इज़ इक्वल टू 0। 0 भी हमारे पास सेट में मौजूद है, सो ये बिलोंग कर जाएगा सेट में से। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट 1 है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेम उसी तरह से हम इसका भी एक टेबल बना लेंगे, 1 और 1। इसको हम ऐड करेंगे, 1+1 हमारे पास आउटकम आएगी 2। 1+1 इज़ इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि क्या 2 इस सेट में है। अगर तो इस सेट में मौजूद है तो 2 इस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन अगर 2 इस सेट में मौजूद नहीं है सो ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 1 है, सो 2 डज़ नॉट बिलोंग्स टू 1। सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। टेबल बना लेते हैं इसका, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को, 1 × 1 देखते हैं क्या 1 इस सेट में मौजूद है। जी हाँ, 1 इस सेट में मौजूद है, सो 1 बिलोंग करेगा इस सेट में से। यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो इस क्वेश्चन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। इसका भी सेम मेथड है, सेम उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे, इसका टेबल बना लेते हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 एलिमेंट्स लिख लेंगे, 0 − 1 0 − 1। इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 0+0 इज इक्वल टू 0। 0 − 1 − 1 − 1 + 0 − 1 − 1 − 1 इज इक्वल टू −2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सेम इसी तरह से हम, 0 को हमने 0 में ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 0, जो कि इस सेट में मौजूद है, सो 0 बिलोंग करेगा सेट में से। नेक्स्ट हमने किया 0 − 1 − 1 आंसर आया हमारे पास, जो कि इस सेट में मौजूद है, सो ये भी बिलोंग करेगा इस सेट में से। नेक्स्ट हमने किया −1+0, आंसर आया −1, ये भी इस सेट में मौजूद है तो ये इससे बिलोंग करेगा। लास्ट में हमने किया −1 − 1 इज़ इक्वल टू −2।
हम देखते हैं क्या माइनस टू इस सेट में मौजूद है। जी नहीं, माइनस टू इस सेट में मौजूद नहीं है। सो माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो माइनस वन। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज़ अगर हमारे पास चार केसेस हैं क्लोजर के, तो उसमें से अगर तीन केसेस क्लोज हो जाते हैं एंड फोर्थ केस क्लोज नहीं होता, तो क्या क्लोजर एग्जिस्ट करेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर चारों में से कोई एक केस भी क्लोज नहीं होता, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि इसके तीन केसेस तो क्लोज हो रहे हैं, तीन केसेस में बिलोंग कर रहा है उस सेट से, लेकिन फोर्थ केस में ये बिलोंग नहीं कर रहा, सो ये क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं करती एंड अंडर एडिशन भी होल्ड नहीं करती। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई या कहीं से आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।